नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द व्लॉग। राम राम, सत श्री अकाल सबको, कैसे हो? तो अब हम वापस बाहर निकल रहे हैं लेक से, लोग ट्रांजिट कर रहे हैं जैसा कि पीछे देख रहे हो आप। ये देखो, ये अपना शिप है, धरती के मुकाबले हम नीचे जा रहे हैं अभी लोक में। धीरे 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 अपना शिप नीचे जाने लग रहा है, नोटिस किया होगा आप लोगों ने। तो और दिखाता हूँ भाई, लोक में हैक्टिक चल रहा है, बहुत गर्मी है, धूप में थक गए यार। इतने सारे लोग शिप देखने आते हैं भाई, ये लोग शिप देखने आए हुए हैं। अच्छी लोकेशन है, यहाँ पे कैफेटेरिया वगैरह भी है, तो लोग यहाँ अपनी गाड़ी वाड़ी पार्क करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, घूम लेते हैं। गार्डन काइंड ऑफ बना हुआ है और शिप भी देखते रहते हैं खड़े होके। तो अब हम निकल रहे हैं, ये लोक के नाम है यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे, तो ये लोक नंबर 8 है। अब यहाँ से निकल रहे हैं हम, तो भाई अब यहाँ से निकल रहे हैं लोक 8 से, इधर जाएंगे हम। अब शिप चल रहा है, शिप उस तरफ है, मेरे पीछे शिप है पूरा, इधर से उधर जा रहे हैं। सर दर्द हो रहा है हल्का हल्का, थोड़ा सा थकावट सी लग रही है, अजीब सा हो रहा है क्योंकि कल वैक्सीन लगाई थी ना, इसलिए अजीब अजीब सा लग रहा है। धूप बहुत तेज है पर मौसम ठीक है, इतनी गर्मी नहीं फील हो रही, लेकिन तकलीफ हो रही है खड़े होने में, पर क्या करें भाई, इट्स आवर जॉब। यहाँ से शिप चलता है तो ट्रैफिक रुक जाता है इधर, ये पीछे ब्रिज है, ये ब्रिज है पीछे, तो जब शिप निकल जाएगा तो ये ब्रिज यहाँ पे आके बैठ जाएगा, रास्ता ज्वाइन हो जाएगा, फिर ये ट्रैफिक स्टार्ट होगा वापस। ये दूसरा जहाज आ रहा है भाई बाहर, हम लोग अभी लोक में घुसेंगे और ये बाहर निकल के आया अभी। ये कनाडा ही गवर्नमेंट के जहाज हैं, CSL के, देख लो ये क्या डिज़ाइन बना रखा है, मस्त अकोमोडेशन पे ड्राइंग कर रखी है, सेक्सी एकदम, अच्छा लग रहा है ना। ये देखो भाई, ये होटल बना रखा है स्पेशल ये वाला जहाज को देखने के लिए, और नीचे लिखा भी है सी द शिप फ्रॉम योर बालकनी द इन। सही है, यही लोगों के घर वर हैं, वहाँ एक कपल बैठा भी है बालकनी में शिप को देखने के लिए। ये अब हम बाहर जा रहे हैं वापस, पहले हम अंदर आए थे उधर से, अब हम नीचे उतर के जा रहे हैं। यहाँ से दिख रहा है ये दरवाज़ा है, इसके बाद फिर हम पानी से नीचे आएंगे, फिर दरवाज़ा खुलेगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। उस तरफ दरवाजे के उस तरफ पानी कितना नीचे है पता चल रहा है? तो भाई ऐसे जहाज नीचे उतर उतर के चलता है। अब नीचे आ चुके हैं भाई, पानी खाली हो गया है लोक का, और अब ये दरवाज़ा भी खुलने लग गया है, पूरा दरवाज़ा खुल जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे दोबारा तीन लोग साथ में, आगे तो तीन एक साथ, ये पूरा खुल जाएगा, आगे निकलते हैं, फिर अगले लोग में दिखाता हूँ। ये देखो भाई, अब तीन लोग एक साथ हैं, एक तो जिसमें अभी हम हैं इसमें जा रहे हैं, अब हम यहाँ आके रुक जाएंगे, फिर इसके बाद ये वाला लोक है, फिर हम इसमें नीचे बैठ के फिर आगे इस वाले में घुसेंगे, फिर उस लोक में नीचे बैठ के फिर अगले में जाएंगे। वो छोटा सा दिख रहा है, वो दूसरा जहाज है, वो अभी निकल के जा रहा है तीसरे लोक में से, और फिर वो ब्रिज है। वो ब्रिज क्या होता है कि वहाँ से ट्रांसपोर्ट जाता रहता है, जब शिप आता है तो ब्रिज ऊपर उठ जाता है, फिर उसके नीचे शिप निकल के जाता है। तो ये पूरी कहानी है, ऐसे चलेगा इधर से जहाज, देखो जी। बारिश का मौसम हो गया भाई, धूप चली गई है, अब थोड़ी शांति लग रही है, थोड़ी थोड़ी बुरारसी भी आ रही है हल्की हल्की, बढ़िया हो गया मौसम, ठंडी हवा चल रही है, मजे आ रहे हैं। अब पीछे हमारे लोग हैं, एक दो तीन, तीसरे में से वो जहाज निकल के जा रहा है, उसका वेट कर रहे हैं, वो निकल जाएगा फिर हम घुसेंगे। उस वाले लोक में अब पानी भरने लग रहे हैं ये, तो इस जिसमें अभी हमें ये नीचे पानी जाएगा इसका, और उस वाले का ऊपर उठेगा, तो दोनों का पानी जब बराबर हो जाएगा तो ये बीच का ये वाला दरवाजा खुलेगा, फिर हम आगे जाएंगे। ये देखो कितनी स्पीड से पानी भरता है,
तो इन्होंने क्या कर रखा है ना, इधर यहाँ से और वहाँ तक पाइप बिछा रखे हैं नीचे से और ऐसे ही दूसरे लॉक्स में भी। तो जब ऐसे करते हैं तो इधर से बीच का वाल खोल देते हैं ये, तो यहाँ का पानी अपने आप ग्रेविटी से नीचे चला जाता है और जाके उस वाले में भर जाता है। थोड़े टाइम के बाद दोनों का इक्वल हो जाता है पानी। तो हो सकता है पंप भी यूज़ करते हों ये लोग, पर बहुत स्पीड से होता है। ये देखो कितनी स्पीड से नीचे जा रहा है और वो कितनी स्पीड से ऊपर आ रहा है, बड़ा फास्ट होता है काम। वो लास्ट वाले लोग से वो जहाज निकल के चल चुका है और वो ब्रिज देखो वो भी ऊपर हो गया, वो निकल जाएगा फिर वो ब्रिज नीचे आ जाएगा, फिर ट्रैफिक चालू हो जाएगा। ये भाई अब एक लोग और बचा है इसके बाद, तो अब देख लो यहाँ से और वहाँ में कितना फर्क है। अब हम नीचे उतरेंगे यहाँ से, फिर वहाँ से निकल के फिर आगे जाएंगे। मुझे वो वाला वो लास्ट में वो ब्रिज दिख रहा है, उस वाले ब्रिज से याद आया, मैं और प्रिया जब सेल करते थे साथ में तो हम वहाँ से एक बार नायग्रा फॉल गए थे और हमारी बस में गए थे हम, तो हमारी बस उसके ऊपर से गई थी और नीचे शिप जा रहे थे, तब हमने ऊपर से देखा था कि यार हम शिप में ऐसे आते हैं नीचे से और आज हम ऊपर से जा रहे हैं बस में। क्या टाइम था यार वो भी। और यहाँ पे ये ब्रिज अभी ऊपर उठ रहा है हमारे लिए, जब ये पूरा फुल ऊपर आ जाएगा ना फिर उसके नीचे से हमारा शिप निकलेगा। ये देखने आए हुए हैं जहाज को हमारे, ये देखो भाई यहाँ से ये शिप देखने का व्यू है लोग के अंदर, ये लोग हमारे शिप को देखने आए हुए हैं यहाँ पे। उस तरफ से वो लोग रिकॉर्डिंग बना रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं और इस तरफ से मैं उनकी रिकॉर्डिंग बना रहा हूँ। सबको इंटरेस्ट है जहाज की फोटो खींचने का। ये छोटे से बच्चे को देखो क्या क्यूट है, देख रहा है इतना बड़ा जहाज कहाँ जा रहा है। यहाँ बहुत सारे इंडियन लोग भी दिखते हैं, आई थिंक ये जो नई गाड़ी से उतर के आए हैं ना अभी चार जो आ रहे हैं ये लोग, ये इंडियन है। हाँ कैनेडा में वैसे इंडियन तो रहते हैं बहुत सारे, अच्छा लगता है ऐसे देख के इधर। सब वीडियो बना रहे हैं जहाज की। जहाज देखने के लिए कैफेटेरिया बनाया हुआ है इन्होंने, यहाँ सब लोग खड़े होके शिप को देखते हैं, बट अभी कोविड की वजह से बंद है ये। अच्छी जगह है काफ़ी ये, इस कैफेटेरिया की पार्किंग है तो पार्किंग ओपन है, तो सब यहाँ पार्किंग में आके देखते हैं शिप को। हाय, भाई सुबह की रात हो गई, पूरा दिन काट दिया था रे भाई ने यहाँ खड़े खड़े, और यो वेलेंड कनाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, थक गया यार। बीच में अभी खाने का ब्रेक लिया था बस, बाकी खड़ा हूँ अभी तो, और दो घंटे और लगेंगे अभी निकलने में, जब तक खड़े रहना है। इसको टंटू बोलते हैं, टंटू। बारिश आ गई यार और रेनकोट भी नहीं लाया, पूरी बारिश आने लगी और ठंड है अभी, सर्दी लगने लग जाएगी, कपड़े गीले हो गए तो एक जगह दीजिए, यहाँ चुप जाता हूँ। ये जगह सही है रे भाई। ये जगह बढ़िया है छुपने के लिए, और यहाँ से आगे का व्यू भी दिखता है। ये देखो भाई लेक्स की ब्यूटी है, इस जगह का नाम है थाउजेंड आइलैंड्स। यहाँ पे
छोटे 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 आइलैंड है, 1000 आइलैंड है यहाँ पे ऑलमोस्ट। तो हर एक आइलैंड पे ऐसे ये एक पूरा एक ही आइलैंड है, इसके ऊपर ऐसे घर बनाए हुए लोगों ने, एक एक आइलैंड एक एक आदमी ने खरीदा हुआ है। जैसे वो आइलैंड है उस पर वो घर बना हुआ है, तो ऐसे ही ऑलमोस्ट 1000 आइलैंड है यहाँ पे। स्टार्स जो हैं सलमान खान, शाहरुख खान, आई थिंक इनके भी मैंने सुना है यहाँ पे हैं। तो देख लो भाई ब्यूटी, क्या मस्त जिंदगी है यहाँ पे। तो ये है भाई ब्यूटी यहाँ की, देख लो क्या खूबसूरत जगह है ये। बहुत मन करता है यहाँ पे भी हमारा घर हो। मैं इसका नाम वैसे तो इन्होंने रखा हुआ है सिंगर कैसल, पर आई थिंक ये मैंने सुना है पायलट जो आते हैं वो बताते हैं कि होटल की तरह भी यूज़ होता है ये। तो यहाँ पे लोग अपना रूम बुक कराते हैं और आके रहते हैं। ये छोटी बोट चल रही है यहाँ, ऑलमोस्ट सबके पास ऐसी छोटी छोटी बोट्स हैं, तो जब समर्स आती हैं तो ये अपनी बोट लेके निकल जाते हैं। विंटर्स में ये पूरी लेक आइस जम जाती है, यहाँ पे फुल लाइस हो जाती है, शिप भी नहीं चलते। क्या प्यारे प्यारे घर हैं यार नदी के किनारे, दिल करता है कि इधर ही बस जाएं। ब्यूटीफुल प्लेस। टेक 870 ट्रक्स आउट ऑफ जैम। ये हमारे शिप का हॉर्न बजाया था भाई हमने, ये सामने इतने सारे विजिटर्स आए हुए हैं देखने के लिए जहाज को, तो वो वहाँ से इशारा करते हैं हॉर्न बजाने के लिए। तो हम जब लॉक से निकलते हैं फिर बजा देते हैं, उन सारे खुश हो जाते हैं। भाई लोग बोट लेके खड़े हैं, जैसे ही अपना शिप निकलेगा तो ये इस तरफ अपनी बोट लेके निकल जाएंगे। किसी को आइडिया है तो बताओ ये एक बोट कितने की आती होगी, लगाओ अंदाजा। बड़ी महंगी संपत्ति है ये। न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं जी, यहाँ पे ये एक तरफ यूएस है और इस तरफ कनाडा है। यहाँ पे भी शिप देखने के लिए ये इन्होंने सेंटर बनाया हुआ है, म्यूजियम। सो दिस इज यूएस, मसीना न्यूयॉर्क यूएसए। वो पीछे लोग आए हुए हैं देखने के लिए, गाड़ियां खड़ी है, देख रहे हैं लोग। साइड में एकदम टच टू टच निकलता है जहाज, साइड में लॉक की दीवार है और अभी शिप निकल रहा है लॉक के अंदर से। क्लियरेंस देखो अकोमोडेशन की, एकदम टच टू टच, थोड़ा भी इधर उधर हुआ वहीं रगड़ खा जाएगा। स्क्रैच आ जाएगी। थोड़ी सी एनर्जी कुछ। बस जा। हाँ बस चलो जी खा लेते हैं। अपने को मिल गया चिंकी चाट मसाला, MDH कनाडा में मिलती है चीज, मजा आ जाएगा। सूप में डाल लूंगा, ये मैं सूप है जब ऐसे बॉयलर सूट में होते हैं इन कपड़ों में, तो यहाँ खाते हैं खाना।
अच्छे कपड़े होते हैं, यूनिफॉर्म वगैरह पहनी है, नॉर्मल कपड़े पहने सिविल क्लोथ, तो उधर मैं शुरू में वहाँ रहते हैं, वो भी दिखाऊंगा अगली बार जब वहाँ आऊँगा। तब मुझे पिज्ज़ा की एक चीज़ बड़ी पसंद है, जो नीचे क्रंची पार्ट होता है ना ये वाला, उसको खाने में जो मज़ा आता है ना, हमेशा इसको खाता हूँ। किस किस को पसंद बताओ। तो भाई अभी क्या क्या टाइम हो गया रात का? भाई 2 बज चुके हैं, रात के 2 बज गए। अब कैबिन में चलते हैं, लास्ट लॉक हमारा क्लियर हो गया है, अब सीधा सुबह आएंगे मॉन्ट्रियल के लिए। लो जी खाना भी हो गया अपना, बस अब सोने की तैयारी है। 36 घंटे हो गए जगे हुए, तगड़ी नींद आ रही है एकदम। आई थिंक आप लोगों ने सफ़र भी देख लिया, वेलेंड कनाल कैसा दिखता है अंदर जाते हुए भी बाहर आते हुए भी। तो जी हमारा जहाज ऐसे चलता है, बताना कमेंट सेक्शन में कैसी लगी वीडियो और कैसा लगा जहाज चलते हुए वेलेंड कनाल में, और ब्यूटी कैसी लगी, घर अच्छे अच्छे दिखाए कि नहीं, सुंदर थे ना। चलो ठीक है, चलो फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, राम राम।